नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल पेनोइच पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ONGC को लेके। ONGC स्टॉक में जो है अभी एक अच्छा खासा मजबूती बनता हुआ दिख रहा है और कुछ अपडेट्स भी आए हैं ONGC स्टॉक में, तो वो हम लोग कोशिश करेंगे छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने के लिए। रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो पे बने रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आपका ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग से तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखे रखा है। अगर आप हमारे यहाँ से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक साल का एमसी फ्री मिल जाएगा, अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ONGC में हम लोग को पता है कि बहुत ज्यादा जो है स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था और बहुत सारे जो है हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स बताए थे ऐसा, या फिर पूछ रहे थे कि स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो आपको पता है तभी भी हम लोगों ने बताया था कि रुक सकते हैं आप स्टॉक में, बहुत ही जल्दी ये स्टॉक में 91 के आसपास देखने को मिल सकता है, 86 से 91 तक हम लोगों ने बताया था। आप देख सकते हैं कि वो टारगेट प्राइस हिट हुआ है और कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले हम लोगों ने एनसीसी लिमिटेड जो शेयर है उसके बारे में भी हम लोगों ने आपको बताया था, वो भी आज देख सकते हैं कि अच्छा खासा एक रिटर्न एनसीसी में देखने को मिला है। एनसीसी लिमिटेड में जो अपडेट था वो भी शेयर किया था, तो अगर आपने वो वीडियो देखा रहेगा हमारा तो आराम से उसमें अच्छा खासा एक रिटर्न मिल गया रहेगा। तो दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग बता रहे हैं कि हमारा जो भी हम लोग एक ओवरव्यू देते हैं टारगेट प्राइस देते हैं कोई भी स्टॉक के बारे में या फिर स्टॉप लॉस देते हैं वही आपको उसी टारगेट प्राइस या स्टॉप लॉस के लिए आपको खरीदारी करना है या सेल करना है, सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है स्टॉक के बारे में वो हम लोग शेयर करते हैं। जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं खुद से जरूर रिसर्च कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बात है। यहाँ पे ONGC में देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि 6 महीना पहले देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस 90.95 के आसपास चल रहा था, 90.95 पैसा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था 76.25, उसके बाद भी जो है यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था। स्टॉक देख सकते 67-66 के पास पहुंच गया था। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जबरदस्त एक जो है रिटर्न देने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था। फिर से आप देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे जो मजबूती बन रहा है। तो 6 महीने के अंदर अगर देखेंगे ये स्टॉक ने सिर्फ 1.81% का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। 1 मंथ का इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो 1 मंथ पहले स्टॉक का प्राइस 68.45 पैसे चल रहा था और 1 मंथ के अंदर स्टॉक ने 35.28% का रिटर्न दिया। ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे एक रिटर्न दिया है ONGC स्टॉक ने 1 महीने के अंदर, अगर ये स्टॉक जो है प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 5 डेज के इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो 5 डेज पहले स्टॉक का प्राइस 77.60 पैसे चल रहा था और 5 डेज के अंदर भी जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है ये स्टॉक में, जो कि 19% के ऊपर है, 19.30%। तो यहाँ पे भी 5 डेज में भी स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 1 डे का अगर आज का इन्फॉर्मेशन देखते तो अभी यूजर ग्राफ में एक मजबूती हो सकता है कि आगे भी देखने को मिले। यहाँ पे आज का अगर देखते हैं हम लोग ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस, स्टॉक ओपन हुआ था 91.15 पैसे में, हाई प्राइस दिया है 94 पैसे का, लो प्राइस दिया है 90.75 पैसे का, और आज देख सकते हैं यहाँ पे 3.06% का जो है रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आज जो है अच्छा खासा एक स्टॉक में मजबूती बना है और फिलहाल जो हम लोगों ने रिसर्च किया तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में और तेजी आ सकता है। बड़े बड़े जो है दिग्गज या फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है उन लोग भी अभी फिलहाल जो यहाँ पे खरीदारी कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग NSE के वेबसाइट पे देख लेते तो आगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग NSE की वेबसाइट पे ट्रेडेड वॉल्यूम देख सकते हैं। ट्रेडेड वॉल्यूम जो है वो है 4,66,30,129, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक ट्रेडेड वॉल्यूम ये स्टॉक में देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 5.00 का है, 52 का हाई प्राइस दिया है 133.40 पैसा एंड 52 का लो प्राइस दिया है 50 रुपीज का। तो यहाँ पे जैसे कि 52 का हाई प्राइस है 133.40 पैसा, तो यहाँ पे फिलहाल ये स्टॉक में जो है थोड़ा समय लग सकता है 115 तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे अगर आज का हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल 1,30,70,328। तो बहुत ज्यादा जो ये स्टॉक में डिलीवरेबल देखने को हम लोग को मिल रहा है, बहुत ज्यादा ये स्टॉक में डिलीवरी हुआ है और डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी का परसेंटेज निकालते हैं तो 33.16% जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा जो यहाँ पे खरीदारी हो रहा है स्टॉक में ONGC में और स्टॉक में जो बहुत जल्दी एक अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने के लिए, कोई भी स्टॉक के बारे में, स्टॉक का क्या चल रहा है, अभी कुछ अपडेट्स आया तो वो भी हम लोग कोशिश करते हैं एक छोटा सा के माध्यम से शेयर करने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे क्या अपडेट आया है ONGC में जिसके चलते स्टॉक में इतना तेजी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अपडेट हम लोग को देखने को मिल रहा है ONGC शेयर प्राइस वाज ट्रेडिंग एट ₹93.25 अप
रुपीज 3.40 और 3.78% एट 9, जो भी है अपना शेयर का टाइमिंग 9.22 आवर्स। दिस इज द फोर्थ कमर्शियल फाइन इन द ब्लॉक बाय OBL, ONGC विदेश लिमिटेड जो है। ONGC शेयर प्राइस अप 3% आफ्टर सब्सिडियरी ऑफ ONGC विदेश स्ट्राइक्स ऑयल इन कोलंबिया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट आया है ONGC के लिए बहुत दिन के बाद। जैसे कि ONGC में हम लोगों ने देखा है कुछ महीने से जो है गिरावट देखने को मिल रहा था स्टॉक में, बहुत सारे इन्वेस्टर जो है स्टॉक में सेलिंग भी किया है, और अभी देख रहे हैं कि स्टॉक में जो ONGC में अच्छा खासा एक अपडेट आ रहा है और कंटिन्यूसली जो है स्टॉक में खरीदारी भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो कि ONGC के नाम पर जाना जाता है, शेयर प्राइस गेन ओवर 3% इन द मॉर्निंग सेशन ऑफ डिसंबर 7 आफ्टर द कंपनी सब्सिडियरी ONGC विदेश मेड सिग्निफिकेंट ऑयल स्ट्राइक इन कोलंबिया। दिस इज द फोर्थ कमर्शियल फाइंड इन द ब्लॉक बाय OBL ONGC विदेश लिमिटेड। ONGC विदेश लिमिटेड द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ स्टेट ओन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हैज मेड अ सिग्निफिकेंट ऑयल डिस्कवरी इन एन ऑफशोर ब्लॉक इन कोलंबिया। तो यहाँ पे जो है अच्छा खासा एक अपडेट है ये ONGC के लिए, जहाँ पे कोलंबिया भी इन लोगों को एक नया जो है ऑनशोर ब्लॉक जो है यहाँ पे इन लोगों का एक अच्छा खासा जो है डिस्कवर किया गया, और जहाँ पे इन लोगों को एक नया ऑयल का ये इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा ONGC के लिए अपडेट है, और जिन्होंने भी ONGC का स्टेक खरीद के रखा है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अपडेट हो सकता है। तो अभी अगर किसी ने स्टॉक लेके रखा है तो फिलहाल हम लोग को लग रहा है कि अभी बने रहना चाहिए ताकि यहाँ पे अच्छा खासा एक रिटर्न देखने को मिल जाए। तो ONGC में दोस्तों कंटिन्यूअसली जो है इसके पहले भी हम लोग शेयर किया है, जैसे कि इन लोगों ने बताया था कि सब्सिडियरी जो कंपनी से ONGC का उसमें जो है मर्जर का बात चल रहा है, जो कि शायद से नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ONGC कंटिन्यूअसली अपने जो बिजनेस है उसको आगे करने के लिए काम कर रहा है, और ONGC का जो सब्सिडियरी HPCL उसमें जो है बायबैक का भी अपडेट आया था। फिलहाल जो है ONGC में कुछ ऐसा बायबैक का अपडेट नहीं है, तो ONGC के सब्सिडियरी से जो बायबैक का भी अपडेट आया है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली अभी जो है ONGC के बारे में अच्छे अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी स्टॉक में और तेजी देखने को मिल सकता है। अगर आप लेते हैं तो एक बार खुद से भी जरूर रिसर्च कर लीजिए स्टॉक के बारे में, क्योंकि बहुत जो है इसमें हम लोग को गिरावट भी देखने को मिला है, तो स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है ONGC के स्टॉक पे। फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म के लिए लगता है कि यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, स्टॉक जो है 95 रुपीज से लेके 96 रुपीज तक जा सकता है बहुत ही जल्दी। बट यहाँ पे बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी हम लोग टारगेट प्राइस से स्टॉप लॉस देते हैं सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू रहता है वो स्टॉक के बारे में, जो हम लोगों को लगता है कि स्टॉक में इतना टारगेट प्राइस से स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर आप ये स्टॉक खरीदते हैं या फिर कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए ताकि आपको भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जरूरी नहीं है कि हम लोग जो टारगेट प्राइस से स्टॉप लॉस देते हैं उसी में आपको खरीद या फिर सेल करना चाहिए, खुद से रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। आशा करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दिया है आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।